अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आर्किटेक्ट रिमशा खान और आज हम जिस घर को एक वर्चुअल टूर करने जा रहे हैं वो फेज 7 में लोकेट है। कि दिस हाउस इज़ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्टेड बाय ज़ेम विलास। अगर हम इसकी एलिवेशन के साथ देखें तो इट इज़ डिज़ाइन ऑन ए वेरी सिंपल स्ट्रेट ब्यूटीफुल लाइन्स। अगर टाइल्स का कलर देखा जाए तो दैट इज़ यूज़ ऑफ ए ब्लैक टाइल, ग्रे टाइल, वुडन फिनिश टाइल। इसकी एलिवेशन को अगर हम देखें तो कम्प्लीट टाइल यूज़ की गई है जिसमें हमारे पास लाइट ग्रे कलर की टाइल्स आ रही हैं और इसके अंदर जो हमें ग्रूव्स दिए गए हैं वो इपॉक्सी के ग्रूव्स हैं। प्लस वी हैव ए वेरी ब्यूटीफुल स्मॉल टेरेस जो एलिवेशन में। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डिफरेंट ज्योमेट्रिकली स्ट्रेट लाइंस शैंडेलियर हैं जो कि हमें घर के बाहर से भी नज़र आ रहा है। तो लेट्स गो इनसाइड द हाउस एंड सी। जैसे ही हम घर के अंदर एंट्रेंस होते हैं तो वी हैव ए वेरी वाइड पोर्च, वेरी ब्यूटीफुली डिज़ाइंड लॉन। लॉन की अगर हम डिटेलिंग में देखें तो वी हैव वेरी ब्यूटीफुली डिज़ाइंड फीचर वॉल। कोई भी वॉल ऐसी नहीं है इस वक्त लॉन के अंदर जो कि डिज़ाइन ना हो। मेन वॉल पे भी डिज़ाइन है जिसके अंदर हम CNC टाइल, आर्टिफिशियल ग्रास का यूज़ देख रहे हैं। बिल्कुल लॉन के ऑपोजिट एक वॉल है उसमें भी हम टाइल्स और आर्टिफिशियल ग्रास का यूज़ देख रहे हैं। इसके अलावा जब हम पोर्च में एंटर हो रहे हैं हम बिल्कुल सामने एक बहुत ही खूबसूरत हमारे पास मोज़ेक कैलीग्राफी आर्ट है जिसके ऊपर कुरान पाक की आयत लिखी हुई है जो कि इस पोर्च की ब्यूटी को एनहांस कर रहे हैं। लेट्स गो इनसाइड द हाउस। एंट्रेंस डोर, इट इज़ अ डबल हाइटेड डोर। एंटर होने के साथ जो बिल्कुल हमारे स्टेयर केस के सामने जो हमारे पास दो नीशेस दी गई हैं, आई रियली लाइक द पैटर्न ऑफ द टाइल्स। ये हमारे इस वक्त जो फर्नीचर पीस लॉबी में रखा गया है उसको बहुत एनहांस कर रहा है। एंड दैट इज़ अगेन वाइट, गोल्ड एंड ब्लैक और उसके ऊपर एक बहुत ही यूनिक सा वी कैन सी द डेकोर पीस इज हियर। टू एक्सप्लेन द फर्नीचर पीसेज दैट इज़ प्लेस इन द लॉबी, आई रियली लाइक दिस वेरी ब्यूटिफुली सेटी और इसको जो डिज़ाइन किया गया दैट इज़ वेरी थीमेटिक। ये विलियम मॉरिस का डिज़ाइन है, दैट इज़ स्ट्रॉबेरी थीफ। सो इट गिव अ वेरी यूनिक लुक एंड एन आई कैचिंग एलिमेंट इन द लॉबी। अगर हम लॉबी के साथ देखें वी हैव अ 4 इंच स्टेप अप डाइनिंग एरिया। वेल आई रियली लाइक दिस डाइनिंग स्पेस, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुली डिज़ाइन on a Mexican painted theme which we can see from here. She is Frida Kahlo. इस वक्त डाइनिंग रूम के अंदर हमारे पास वॉल कैबिनेट से प्लेट्स, द पेंटिंग्स एंड द आर्ट पीसेस प्लस द फैब्रिक दैट इज यूज ऑन द बैक ऑफ द चेयर्स, ये सब हमारे फ्रीडा कैलो के थीम के ऊपर डिज़ाइन किया गया। आई पर्सनली लाइक दिस वेरी ब्यूटिफुल शैंडलियर इन द डाइनिंग रूम। मुझे इस घर में पूरे में जो बहुत ज़्यादा एक मेजर अट्रैक्शन हो रही है कि इन्होंने किस तरीके से स्ट्रेट लाइंस को डिफरेंट आर्ट एलिमेंट्स के साथ और डिफरेंट कलर थीम के साथ एनहांस किया गया है टू गिव अ वेरी वेरी रिच लुक एंड येट वेरी एलिगेंट, सिंपल एंड अ बैलेंस डिज़ाइन। वेल अगर हम इस लाउंज को देखे जाएँ तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं। अगर हम इसकी सीलिंग को देखे जाएं तो इस वक्त यहाँ पे एक पूरी क्लॉक थीम सीलिंग हमें नज़र आ रही है, एक बहुत ही खूबसूरत शैंडलियर हमें नज़र आ रहा है। इस लाउंज की जितनी भी डिटेलिंग देखी जाए हर चीज़ में छोटी छोटी हमें डिटेल नज़र आ रही है, फ्रॉम देयर सोफ़ा कवर्स, फ्रॉम देयर कुशंस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन कि जो लाउंज है ये जिस थीम पे डिज़ाइन हुआ हुआ है दैट इज़ द पिकासो क्यूबिज़म। क्यूबिज़म के थीम पे ये हमने डिज़ाइन हुआ हुआ है। वेल वी कैन सी कि हमारे कुशंस के ऊपर भी यहाँ पे हमें पिकासो का क्यूबिज़म पेंटिंग्स नज़र आ रही है और इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो वॉल आर्ट डिस्प्ले हुआ हुआ है इट हैज़ द पिकासो क्यूबिज़म एज वेल। जैसा कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं, जो फर्नीचर है, फैब्रिक का थीम पिकासो की क्यूबिज़म पे है, इसी तरह यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट किस्म के कुछ एंटीक लुक के साथ डेकोर पीसेस देखे जा रहे हैं लाइक दिस। इसके अलावा जो लैम्प है इट्सेल्फ इज़ वेरी यूनिक।
Plus, I really liked very important in a small painting right in a lounge based on a Mughal art. एक जो छोटी सी स्पेस और बहुत ही जो यूनिक स्पेस डिज़ाइन की गई है हमारे पास लाउंज के साथ, जो कि कंप्लीट एक वाइट सी लुक दे रही है हमें. आई रियली लाइक जो इसके अंदर एक नेचुरल लाइट का एलिमेंट ऐड किया गया, जिसकी वजह से ये हमें बहुत ही एक इंग्लिश और सॉफ्ट और सटल सी लुक दे रही है, जो कि इस लाउंज की ब्यूटी को एनहांस कर रही है. एंड इट इज़ अ मल्टीपर्पज यूज स्पेस एज वेल. इस लाउंज के साथ हमारे पास इधर अगेन एक यूनिक एलिमेंट है, दैट इज़ अ स्टेप अप किचन विच इज़ डिज़ाइन इन ए ब्लैक एंड सिल्वरिश वाइट थीम. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे इसमें यूनिक लग रही है, दैट इज़ द लॉक्स. देयर अ डिज़ाइन ऑन अ डियर थीम, दैट गोल्डन डियर गोइंग इनसाइड. अगेन इट इज़ डिज़ाइंड इन द सेम वे, ब्लैक. हमारे पास कैबिनेट्स हैं, वही टाइल यूज़ की हुई है बैक स्प्लैश के ऊपर. मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट था टू सी इट, टू रिव्यू इट. राइट आफ्टर एंट्रिंग द हाउस, लॉबी के साथ हमें लेफ्ट साइड पे मास्टर बेडरूम की एक्सेस मिलती है. लेट्स सी इट. वेरी नाइस एंड डिफरेंट वाइब्स. कलर थीम इज इनटू ग्रे वुड, वेरी एलिगेंटली डिजाइन. आई रियली लाइक द फीचर वॉल ऑफ द बेडरूम. इस रूम को देखा जाए तो इट इज़ डिज़ाइन ऑन ए वेरी न्यूट्रल कलर पैलेट, जिसके अंदर हमें ग्रे नज़र आ रहा है, ऑफ वाइट नज़र आ रहा है, वाइट नज़र आ रहा है. अगेन इट्स अ वेरी यूनिक थिंग कि हमारे पास कमरा पूरा मॉडर्न थीम पे डिज़ाइन है, बट फर्नीचर को हमने थोड़ा सा रिच लुक दिया हुआ है. जिससे हम देख सकते हैं इट हैज़ अ हाई हेड बेड एंड येट अ वेरी ब्यूटिफुल मिरर वी कैन सी ऑन वन साइड ऑफ द बेडरूम, which gives us a very semi-classical kind of a touch. और उसकी बैक साइड पर हमारे पास बहुत ही डिफरेंट तरह का वॉल पेपर यूज़ किया गया है, जो कि बहुत ही रिच है अपनी डिटेल्स के अंदर. अगर इसकी डिटेल्स को हम जूम इन करें तो इट्स ब्लैक एंड वाइट, काइंड ऑफ ए वेरी आर्टिस्टिक स्केची काइंड ऑफ ए वॉल पेपर. अगैन एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट द रूम इज वेरी वेल डिज़ाइंड मीडिया वॉल. मीडिया वॉल एक कम्प्लीट हमें डिज़ाइन की गई है. इसके अंदर वी हैव सीन द यूज़ ऑफ वुड, डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं. और इस रूम के अंदर हर चीज़ इस तरह से डिज़ाइन है कि वापस में बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट कर रही है एक दूसरे के साथ, चाहे वो बेड हो चाहे वो वॉल हो. मास्टर बेडरूम के साथ हमें अटैच वॉशरूम मिलता है. वाओ, व्हाट अ वेरी ब्यूटीफुल टाइल. इट्स वेरी गोल्डनिश ब्राउन काइंड ऑफ ए टाइल, जो कि हमें बिल्कुल दरवाज़ा खोलने के साथ मिल रही है. इसके अलावा अगर हम देखे जाएँ तो ये जो वॉशरूम है, इट इज़ डिज़ाइन ऑन ए थीम ऑफ क्रीम बेजिश काइंड ऑफ कलर पैलेट. हमारे पास अगेन इधर डबल बोल वेनिटी है. इसके साथ वी हैव ए शावर एरिया, जिसके अंदर हमारे पास गोल्डन मोज़ेक का यूज़ किया गया है. वही गोल्डन मोज़ेक बैक साइड पे भी यूज़ किया गया है. जब आप एंटर होते हैं, आपकी पहली नज़र ही जिस चीज़ पे पड़ती है वो घर की एक लॉबी होती है. तो जब हम लॉबी में एंटर होते हैं, हमें डबल हाइटेड लॉबी मिलती है, जिसमें सीलिंग पैटर्न बहुत डिफरेंट है. आई रियली लाइक द सीलिंग पैटर्न्स. मैं आजकल डिफरेंट घर भी देख रही हूँ बिन एन आर्किटेक्ट. आई एम एक्सप्लोरिंग डिफरेंट डिज़ाइन एज वेल. आई पर्सनली लाइक दिस काइंड ऑफ ए फिनिश जो कि यूज़ की गई है इधर लॉबी में, और जो डिज़ाइन यूज़ किया गया इसकी सीलिंग के अंदर. राइट आफ्टर एंट्रिंग द फर्स्ट फ्लोर ऑफ हाउस, यहाँ पे जो हमें एक एरिया मिलता है जो कि तीनों बेडरूम्स को कनेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन किया गया है. इसकी सीलिंग भी अगैन इट्स वेरी मॉडर्न ऑन ए सिंपल लाइंस. बट जो यहाँ पे फर्नीचर यूज़ किया गया है, इट्स अ डिज़ाइन हाईलाइटिंग एलिमेंट वी कैन सी, जिसके अंदर हमें मस्टर्ड और रॉयल ब्लू काइंड ऑफ कलर्स मिल रहे हैं, जो कि इस रूम को स्पेसिफिकली एनहांस कर रहे हैं. फर्स्ट फ्लोर के अंदर जो हमें पहला बेडरूम मिलता है, इट्स डिज़ाइन ऑन ए ऑफ वाइट एंड अ वुडन कलर ऑफ ए थीम, डार्क वुडन थीम के अंदर हमें मिल रहा है. अगर हम इसकी बैक वॉल देखें तो ये अगैन हमें एक वुडिश टेक्सचर दे रही है. और इसके साथ जो बेड रखा गया इस रूम के अंदर, वो इसकी ब्यूटी को बहुत एनहांस कर रहा है. कलर थीम्स आर वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड. और अगेन इसकी अगर हम मीडिया वॉल देखें तो इट्स द सेम जो कि बेड वॉल पे बनी है,
और वही मीडिया वॉल है, तो वो शो कर रहे हैं कि डिज़ाइन आपस में वेल कोऑर्डिनेटेड है। इसके साथ हमें अगेन एक अटैच बाथरूम भी मिलता है। लेट्स गो इनसाइड द वॉशरूम। अगेन इस डिज़ाइन उन्होंने ऑफ वाइट एंड अ डार्क ब्राउन कलर थीम। इसमें हमें डबल बोल वैनिटी मिल रही है, जो पीछे टाइल यूज़ की गई है उसके ऊपर वॉल के ऊपर उनके अंदर लीव्स का पैटर्न जो है वो नज़र आ रहा है हमें। इसके अलावा इसका जो अटैच शावर एरिया है उसके अंदर हमें गोल्डन कलर की मोज़ेक टाइल मिल रही है, और जो लेज वॉल है उसके ऊपर भी हमें अगेन लीफ वाली टाइल मिली है। उसके साथ जो एक बहुत यूनिक चीज़ की गई है, दैट इज़ दिस गोल्डन काइंड ऑफ एपॉक्सी जो कि टाइल्स की कटिंग के अंदर फिल की गई है डिटेल्स के साथ। अब हम फर्स्ट फ्लोर के एक बेडरूम को रिव्यू करते हैं। इट्स ए वेरी यूनिक कलर यूज इन द बेडरूम। इट्स अ स्लाइटिश लेवेंडर पिंक जो कि हम इसकी बैक वॉल देख रहे हैं। उसके साथ हम देख सकते हैं कि जो फीचर वॉल है इस रूम की वो किस तरह डिज़ाइन है। हमें मेटल की स्ट्रिप का यूज़ नज़र आ रहा है, बीच में फैब्रिक का यूज़ है, उसके साथ इज़ अ हाइलाइटिंग एलिमेंट्स यूज़ हैं, जिससे डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लोब्स लगे हैं, और आई रियली लाइक द बेड कवर। इसी के साथ हमें एक अटैच वॉशरूम भी मिलता है, अगर हम उसको व्यू करें इस रूम के साथ। तो इट्स इन वाइट एंड ब्लैक थीम। हमें यहाँ पे एक सिंगल बोल वैनिटी मिल रही है, उसके साथ बैक पे बहुत ही प्यारी फीचर वॉल है, उसके साथ शावर एरिया है। अगेन इसके अंदर टाइल्स के साथ हमें एपॉक्सी नज़र आ रही है। नाउ वी आर एंटरिंग इन द बेडरूम नंबर 3 ऑफ ए फर्स्ट फ्लोर। वाओ, व्हाट अ वेरी ब्यूटीफुल फीचर वॉल, बड़ी एंगुलर सी मॉडर्न फीचर वॉल है, ग्रे और लाइट बेज से कलर के साथ उसको बनाया गया है। रोप लाइट का यूज़ किया गया है टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ द फीचर वॉल। बिल्कुल उसके सामने हमें मीडिया वॉल भी मिल रही है। व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस रूम, यहाँ पे हमें डबल विंडो मिल रही है। एक विंडो हम देख सकते हैं ये है, जो कि हमारे एलिवेशन का भी पार्ट है। इधर से यू कैन हैव ए डायरेक्ट व्यू ऑफ द आउटसाइड, और इस रूम में एक हमें लेफ्ट साइड पे भी एक विंडो मिल रही है, जिसके बाद आप पूरा एक व्यू एंजॉय कर सकते हैं। इस रूम के साथ अगेन वी हैव ए अटैच वॉशरूम, जो कि कलर थीम यहाँ पे मैं देख सकती हूँ। अगेन इट्स डार्क बेज लाइट ब्राउन के साथ है, वेरी ब्यूटीफुल वैनिटी वी कैन सी हियर, द यूज़ ऑफ ए सर्कुलर मिरर, अगेन द डिटेल्स वी कैन सी, द ग्लिटर एपॉक्सी, अगेन द फीचर वॉल वर वी कैन सी इट्स इन मैट ब्राउन और ए ऑफ वाइट कलर, वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द हाउस। वी हैव इन शावर एरिया, नो ग्लिटर टाइल्स कैन बी सीन, जैसे कि हम बाकी घर के अंदर देख रहे थे। इट्स अ वेरी मैट काइंड ऑफ ए फिनिश वॉशरूम। इस वक्त हम इस घर के टेरेस में खड़े हैं, जो कि इस तरह से लोकेट हुआ है कि आपके हर कमरे की विंडो के साथ इसको एक्सेस मिल रही है। बट वी कैन सी वेरी ब्यूटीफुल मोज़ेक आर्ट, जो कि बिल्कुल सेंटर में टेरेस के हुआ है, जो कि काइंड ऑफ फीचर वॉल भी है। इसके अलावा हम देख सकते हैं यूज़ ऑफ द CNC, डिफरेंट काइंड ऑफ ए पैटर्न्स ओवर हियर। हर कमरे की विंडो को एक्सेस है, अगर हम इसका व्यू लें यहाँ से, विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3, लॉबी जो फर्स्ट फ्लोर की एक सेमी लॉबी स्मॉल लॉबी, वहाँ से भी हमें इसका एक्सेस है। प्लस इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसको एज ए डिज़ाइन एलिमेंट जो एक बहुत प्यारे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, दैट इज़ द सीलिंग ऑफ द टेरेस, सेमी ओपन परमिएबल काइंड ऑफ अ सीलिंग इट इज़। अदर देन दिस, अगर हम इसकी वॉल्स को देखा जाए तो इसकी कोई भी वॉल ऐसी नहीं है जिसको डिज़ाइन ना किया गया हो। अगेन यूज़ ऑफ द एस्ट्रफ आर्टिफिशियल ग्रास वुडन टाइल, इससे एक बहुत इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है और ऐसे लग रहा है कि इसकी हर दीवार बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन है। और प्लस द यूज़ ऑफ द नेचुरल ग्लास, थोड़ी इसमें एक हम नेचर भी अकोमोडेट हो रही है। आई होप कि आपने इंजॉय किया होगा हमारा वर्चुअल टूर।
इस घर के अंदर मैंने जैसा पहले से भी आपको एक्सप्लेन किया है कि एक कनाल का घर है, फेज 7 में लोकेट है. वी हैव डिफरेंट नंबर ऑफ बेडरूम्स हेयर, लाउंज, डाइनिंग रूम एंड 2 सर्वेंट क्वार्टर इन द बेसमेंट. आई होप यू ऑल एंजॉय द टूर. टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.